नीतीश कुमार हाथ में हमारा नियोजन जल्द करो। हम लोग का नियोजन जो है जल्द से जल्द किया जाए। बीपीएसएम के पास बच्चे भी हैं, लेकिन ये अतिरिक्त प्राइवेट कंपनी से मानव बल अभ्यर्थना कर रही है। दो साल से दौड़ रहे हैं लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिल रहा। सरकार बोल रहा है तुम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी को दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में आए दिन आपको देखने को मिलता है कि जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं पटना की सड़कों पर। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं बीपीएसएम कार्यालय के बाहर और साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ मांग है जो यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का नियोजन जो है जल्द से जल्द किया जाए, और हम लोग को अधियाचना भेजे जो है कार्यपालक साहब से अधियाचना भेजे, डेढ़ महीना हो गया है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और बेल्ट्रन कंपनी से अभी अधियाचना भेजा जा रहा है, मतलब प्रमंडलीय स्तरीय जो ज्वाइनिंग हुआ वो हम लोग के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ हुआ है, हम लोग के साथ धोखा हुआ है। और हम लोग जो है इसी तरह से दो साल से दौड़ रहे हैं लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिल रहा, और यहाँ आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्या कुछ मामला है जो आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग 2018 में बीपीएसएम ने एक विज्ञप्ति निकाली थी, हम लोगों ने भरा, हम लोगों ने तीन तीन एग्जाम पास किया, हम लोगों का पैनल बन गया, हमारे जिला में पैनल भी बन गया, उसमें से 350 के लगभग बहाली भी हो गए, 1650 बच्चे अभी भी अनियोजित हैं, और अभी तक डीएम के द्वारा हमें आश्वासन नहीं मिला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जब बीपीएसएम को खुद अपना बच्चा है ही पैनल बना है तो दूसरे से पैनल लेने की क्या आवश्यकता है। माना किस पद के लिए निकलती हम लोग करपालक सहायक के लिए, करपालक सहायक के लिए हम लोग पैनल में है, बीपीएसएम के पास बच्चे भी हैं, लेकिन ये अतिरिक्त प्राइवेट कंपनी से मानव बल अभ्यर्थना कर रही है। ये क्यों कर रही है? ये तो हम लोग के साथ सरासर धोखा कर रही है, और उसके साथ बिहार सरकार भी। आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि ये बीपीएसएम के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है जो यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हम लोग अनियोजित कर पालक सहायक है, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। कड़ी मेहनत करने के बाद हम लोग एग्जाम निकाले हैं, टाइपिंग टेस्ट निकाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और आप सरकार बोल रहे हैं तुम लोग को ज्वाइनिंग नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी को दे रही है, पैसा पे हम लोग को रोजी रोटी बेच रहा है। बेल्ट्रन के हाथों ही नौकरी को बेचना था। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि इस वक्त ये लोग बीपीएसएम कार्यालय के बाहर मौजूद है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि कार्यपालक सहायक के लिए 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी, पर उसके बाद भी जो हमारी नियुक्ति है वो अभी तक नहीं हो पाई है। और कुछ और भी बात करना, सचिवालय में भी हम गए थे, सर ने मेरा प्रॉब्लम देखा और मेरा लेटर भी रिसीव किया सचिवालय में, सर देखिए रिसीविंग हुआ भी है, और वहाँ भी मेरे सामने में लेटर पे साइन करके सर सचिवालय में बोले जो ऑल डीएम को फॉरवर्ड करो ज्वाइनिंग करवाने के लिए, प्रतिभा मैम को फॉरवर्ड किया है और बोले है तुम लोग जाओ, तुम लोग को ज्वाइनिंग होगा, हम ऑल डीएम को प्रतिभा मैम को कर दिए है, वो ऑल डीएम को शेयर करेगी, लेकिन यहाँ आकर के रोक लगा दिया हम लोग को ज्वाइनिंग का। हम लोग को बोल रहा है नहीं होगा ज्वाइनिंग, बेल्ट्रॉन वाला का होगा, हम लोग का ज्वाइनिंग जल्द करवाए, नहीं तो हम लोग यहाँ लाठी खाने के लिए भी रेडी हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती तो फिर आगे क्या करेंगे? हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, देह में आग लगा लेंगे, यही हम लोग का निर्णय, लास्ट निर्णय यही है। नियुक्ति की प्रक्रिया कब निकाली गई थी? ये तो 2018 हम लोग का सारण जिला का 2015 में फॉर्म आया था, लेकिन हम लोग का 2018 में हम लोग का रिटर्न हुआ, और नवंबर तक हम लोग का टाइपिंग हुआ, और उसके बाद हम लोग का टाइपिंग के बाद मेरिट लिस्ट निकला, उसके बाद कुछ लड़का को ज्वाइनिंग हुआ, हम लोग 400 अभी 76 लड़का बाकी है, हम लोग को ज्वाइनिंग जल्द से जल्द सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कराया जाए। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि ये बीपीएसएम के अभ्यर्थी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि कार्यपालक सहायक के लिए 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी, उसके बाद भी लगातार जो हम लोग की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, इसी कारण आज हम बीपीएसएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आए दिन जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर पटना में प्रदर्शन करते हैं, ऐसे में जो कार्यपालक सहायक अभ्यर्थी हैं तो क्या इनकी सरकार मांग पूरी करती है या नहीं। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद।
हम लोग का नियोजन जो है जल्द से जल्द किया जाए। बीपीएसएम के पास बच्चे भी हैं, लेकिन ये अतिरिक्त प्राइवेट कंपनी से मानव बल अभ्यर्थना कर रही है। दो साल से दौड़ रहे हैं लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिल रहा। सरकार बोल रहा है तुम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी को दे रही है।